यहीं से कटपीस का दौर शुरू हो रहा है। सुनिए, एक कटपीस आपकी सेवा में है। पर एक गाना आजकल बहुत बज रहा है। कौन सा बेटे, कौन सा गाना बहुत बज रहा है? खासतौर से वो गाना आजकल डीजे वाले खूब बजा रहे हैं। डीजे जगत राज। और वो गाना भोजपुर वाले गा रहे हैं। गीत कह रहा है क्या बेटा, क्या गीत कह रहा है? लेकिन आप लोग यकीन मानिए, जब ये लाइन मैंने सुनी कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, मैंने सोचा ये लाइन तो अक्सर मैंने ट्रकों के पीछे लिखी देखी है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हालांकि और भी कई ऐसी बातें हैं जो ट्रकों में लिखी रहती हैं, जैसे जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। कृपया देख के चले आगे पुलिया सकरी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तमाम बातें ट्रकों में लिखी रहती हैं। सावन को आने दो। आया सावन झूम के, सबका मालिक एक। कष्ट के लिए खेद है, कार प्रगति पर है। जैसे उसकी टंकी में लिखा रहता खुराक मंत्री, कहीं ईराक का पानी, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन मैं आपको कुछ स्लोगन बता रही हूँ, जैसे जैसे जो कुछ खास जगहों पर लिखे रहते हैं, जैसे लिखा रहता है हम दो हमारे दो, ये लिखा रहता है चिकित्सालय में। विद्या ही धन है, ये लिखा रहता है विद्यालय में। सत्यमेव जयते, ये लिखा रहता है न्यायालय में। सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा रहता है देवालय में। और आजकल एक हमारे मोदी जी ने एक योजना बनाई है। कौन सी? एक अभियान चला रहे, सफाई अभियान। उसमें भी कुछ ना कुछ वो लिखा देते हैं। एक जगह एक बात और लिखी रहती है, लेकिन वो बात की बात रही। आइए मैं क्या कहूँ, जरा सुने आप उसको। सुनिए तो कहना है क्या? गौ सेवा सच्ची सेवा, सेवा सच्ची सेवा, ये लिखा है गौशाला में। गौ सेवा सच्ची सेवा, ये लिखा है गौशाला में। और सेवा ही परमो धर्मा, ये लिखा धर्मशाला में। ये धर्मशाला में लिखा रहता है। और आइए यही है, आपका ध्यान है किधर, मंदिर है इधर। ये कहां लिखा रहता है? कहां? हाँ आप लोग समझ गए। तो आइए यही है, ये लिखा है मधुशाला में। आइए यही है, ये लिखा है मधुशाला में। और अरे सब पढ़े सब पढ़े,
लगा रहता है, सब पढ़े सब पढ़े। अब बात आई टोपो की तो मैंने देखा क्या, एक जगह लिखा था क्या, बच्चे शेर का पीछा नहीं करते डर जाएगा। ये डंपर के पीछे लिखा रहता है, बच्चे शेर का पीछा नहीं करते, बच्चे शेर का पीछा नहीं करते डर जाएगा। और लिखा रहता सोचकर सोचो के साथ क्या जाएगा, ये भी लिखा है। और एक जगह गेट के बाहर लिखा था क्या, अरे कुत्ते से सावधान वरना काट खाएगा। क्या बात है बेटे, वाह। कहीं कहीं बसों पे लिखा रहता है आरक्षण सीट है उठा दिया जाएगा। कुत्ते से सावधान वरना काट खाएगा। और एक जगह लिखा था, अरे भाई तू लटक मत नहीं टपक जाए, हालांकि बातें तमाम लिखी रहती हैं, कहीं जेब पत्रों से सावधान, आगे पुलिया सकरी है, कार प्रगति पर है, दुर्घटना हटी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तमाम बातें, लेकिन बात केवल स्लोगनों की हो रही है। तो कहा बच्चे शेर का पीछा नहीं करते डर जाएगा, सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा, भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा, भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा, भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं। हेलो, सुना भी आप लोगों ने, हेलो, बहुत ही सुंदर था कार्यक्रम, अति सुंदर। राखी जी कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रही, बता रहे कि धरती माँ नहीं होती है, होती है, हमने कब कहा नहीं होती, ये किसने कहा नहीं होती, लेकिन आपने बात धरती माँ की नहीं की थी ना, आपने बात की थी माता शाकंभरी की ना, जो हरी हो गई, उनका रंग हरा हो गया, तब मैंने आपको ठोका था कि माता शाकंभरी हरी नहीं हुई है, जब धरा धाम पे साग सब्जियां उगी हैं तो ये धरती हरी भरी होगी, वही तो मैंने आपको टोका था, लेकिन क्या कहते भाई, जगह कहीं नहीं मिली तो हमारी बात हम ही को वापस करने लगे, और का चलिए वो भी स्वीकार है। हमने कहा सर्वेश्वरी बन गई, मुक्तेश्वरी बन गई, तो कह रही थी ये नाम तो सभी जानते हैं, और का बताओ भैया, ये कोई नहीं जानते जो इन्होंने गाया। अच्छा आपने बताया रक्तेश्वरी बन गई, नीलेश्वरी बन गई, ये कोई नहीं जानता, ये किसी को पता भी नहीं था, ये सिर्फ राखी आजा जानते हैं। कि नहीं खोजे बेटा। क्या बताए, चलिए बढ़िया है। जो मैंने गीत गाया बता रही थी उसमें, घर वाला ही स्वयं डरे घर वाली कैसी होगी, और जब महाकाल है ऐसे महाकाली कैसी होगी। खड़ी हुई राखी जी कही थी भगवान शंकर डरते थे, बताइए
अरे राखी जी पहले पूरी बात सुना तो करो। आओ का मैंने कहा वो दैत आपस में बात कर रहे हैं ना, जो भागे हैं वहाँ से। हाँ। आपस में बता रहे हैं कि भगवान शंकर आए लेकिन लेट गए, कोई विरोध नहीं किया। हाँ। तो ये बात उनकी है ना हमारी है ना आपकी है। और का तो गीत सुन लिया करें तब टोका करें। और का जबरदस्ती की टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी राशन कार्ड आजकल स्त्रियों के नाम ही बन रहे हैं। राशन कार्ड है। हाँ भैया मांग रहे थे ना आधार कार्ड। ये समझ लो बात को। जवाब आपने बताया भगवान शंकर नग्न हो गए भागे। क्या बताएं राखी जी। फिर आपने बताया कि वो उनका लिंग कट गया, तो फिर बताया आपने भक्तों की वो पिपदा ताली सुरन डाली कैसी होगी। अच्छा भक्तों की पिपदा ताली के खुद की पिपदा ताली बताइए। तो खुद ही भागे भागे फिर रहे थे। और का इसमें बताओ भक्तों की विपदा है कि उनने खुद अपनी विपदा टाली। खुद ही परेशान थे, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। बताओ कह रहे हैं कि ऊपर वाला ऐसा तो नीचे वाली कैसी होगी। भाई कभी शिवलिंग के दर्शन किए? जो अर्घा होता है शिवलिंग उसी में होता है, अर्घा के ऊपर नहीं रखा होता है। हाँ। उसी में होता है और माता भवानी भगवान शिव उसमें समाहित है दोनों। हाँ। ऊपर नीचे नहीं है ना, दोनों समाहित हुए हैं तभी बना है शिवलिंग। और का ठीक है, धन्यवाद है, आपकी बात है अच्छी बात। खैर कोई बात नहीं, आइएगा। एक कटपीत बहुत भयंकर आया है। माता पार्वती पेट में चली गई तो कह रही कि बाहर वाला ऐसा तो अंदर वाली कैसी होगी। कहाँ जुड़े स्वामी? स्वामी मैं अंदर चली गई हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं बाहर वाला ऐसा तो अंदर वाली। वाह चलिए चलिएगा। एक कटपीस बात का बहुत अच्छा आया है और आपने बताया चल हट जा रे गाय तो चार हैं। हाँ। और बता दिए 400। वाह ये भी होता है, ये भी होता है। बच्चे तो अच्छे दुर्घटना से देर भली। हाँ। ये भी लिखा होता है। आओ का लटक मत टपक जाएगा। हाँ। साजन आने वाले हैं, सजनी जाने वाली है। वाह पता नहीं क्या क्या बता दिए, मतलब इतने बता दिए कि हम जवाब कहां से लाएं। अरे कम से कम जो आपके कट्रीज में अगर चार तो चार गाइए, 400 बताने की क्या जरूरत है। मतलब कि अजय विजय जवाब ना लिख पाए। हम दो हमारे दो है। हाँ ये संदेश है स्वास्थ्य विभाग का। चलिएगा बढ़िया है।
चलिएगा फिर भी, क्योंकि सिंधु में रत्न मोती न लालों की कमी है, अगर कमी है तो खोजने वालों की कमी है। सही बात है, सुनिएगा, सुनिए जवाब सुनिए आप लोग, आइएगा। अब देखिए आपने बताया जाए, आइए यहाँ पे लिखा है मधुशाला, और सब पढ़े सब बढ़े लिखा पाठशाला, ये सब है। फिर सोचो गर सोचो करो साथ क्या जाएगा, और अरे कुत्तों से सावधान मरना पाठ खाए, ये है कीर्तन, ये साहित्य बेटा, ऐसे ही कीर्तन होना चाहिए, तब भाव का माता रानी के दरबार में इसे कीर्तन होता है। चलाओ सुनिएगा, आइए देखो राखी जी, आजकल जो लिखते हैं कि कुत्तों से सावधान वरना काट खाएगा, आज के पहले ये नहीं लिखा जाता था, लिखा क्या जाता, सुनिएगा, कि अतिथि देवो भव, पहले दरवाजे पे लिखा होता था अतिथि के भव, लिखा लिखे को धाम है, मकान में लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान लोग पूजा करते थे, बड़ा सम्मान करते थे, और दरवाजे पे लिखा होता था रास्ते से जो भी निकले सबको मेरी सीतारा, आइएगा। अब देखिए आपने बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ छूटा भी है, आओ का बेटी बढ़े मोदी जी, एक बात और कह रहे हैं, क्या जल ही जीवन है, इसको बचाइए वरना आने वाले समय में लोग एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, और एक दो बूंद ये जिंदगी की होती है, कि बेटी पढ़े बेटी बढ़े उपकार हो जाएगा। जवाब सुनिए भैया, और चलना हुआ तो ये इस जीवन को स्लोगन, चार गा दिए, चार तो बता दिए, फिर भी चार छह निकाल लिए, और का आइए गीत, और बड़ा भयंकर आया, दो बूंद जिंदगी।